आदरणीय सैयदना साहब, हमारे इस सैफी बुरानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट के सभी परिवारजन, हमारे मित्र अमीन पटेल जी, हमारे सीपी साहब, स्पेशल सीपी साहब, सभी हमारे अधिकारी और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हिज होलीनेस सैयदना साहब के ब्लेसिंग्स लेता हूँ और आज इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया इसलिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। ये जो SBUT का प्रोजेक्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत ही अनूठा इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट है। हम लोग कई बार ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, बट दिस प्रोजेक्ट इज रियल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में सबसे महत्व की बात यह है कि द अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट, ये मैं ऐसा मानता हूं कि अगर भिंडी बाजार में इस प्रोजेक्ट का रीडेवलपमेंट हो सकता है तो मुंबई में किसी भी जगह पर रीडेवलपमेंट हो सकता है, ये इस प्रोजेक्ट की महानता है। और इतना सुंदर डिजाइन इसका तैयार किया गया है और विशेष रूप से इसका जो मोटिव है वो अपलिफ्टमेंट का मोटिव है। प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव, अपलिफ्टमेंट इज द मोटिव। ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस होलीनेस सैयदना साहब, इन्होंने जिस प्रकार से इसका डिजाइन करवाया है, आज हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिट अकोमोडेशन भी इतना अच्छा तैयार हुआ है कि शायद कई बार सेल कंपोनेंट भी इतना अच्छा नहीं होता है, उतना सुंदर ट्रांजिट अकोमोडेशन यहां पर तैयार हुआ है। और जो पूरा काम यहां पर होने वाला है, आज जिसकी शुरुआत हो रही है फोर्थ सेक्टर की और बाकी भी जो काम यहां पर होने वाला है, उसके बाद एक अर्बन रिन्यूअल का, अर्बन रिज्यूवेनेशन का एक ये अनूठा प्रोजेक्ट होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया से लोग ये देखने को आएंगे कि इतने कंजेस्टेड एरिया को किस प्रकार से डीकंजेस्ट किया जा सकता है और जहां पर एब्सोल्यूटली नॉन लिविंग कंडीशंस थी उसको मोस्ट लिवेबल एरिया कैसे किया जा सकता है, ये इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सबको दिखने वाला है। और मैं ये मानता हूं कि इस प्रोजेक्ट को करते समय बहुत कठिनाइयां है, लेकिन आपने अब धीरे धीरे करके, मुझे तो लगता है सबसे बड़ी कठिनाई तो इसमें यह थी कि यहां पर सबको अकोमोडेट करके डिमोलिशन करना, जो आपने करीब करीब अब पूरा कर लिया है, तो अब तेजी के साथ बिल्डिंग्स तैयार होगी और एक बहुत सुंदर ऐसा ये प्रोजेक्ट जब तैयार होगा तो निश्चित हम लोगों को भी उसमें बहुत खुशी होगी। मैं सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, पिछले समय भी जब हम सरकार में थे तो पूरे तरीके से आपके साथ में थे और अब भी हम 100% आपके साथ में हैं। इस प्रोजेक्ट में मैं आपको एश्योर करता हूं कोई रुकावट हम आने नहीं देंगे। ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन के हिसाब से समाप्त हो, इसके लिए चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, चाहे हमारा पुलिस विभाग की मदद हो, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल राइट टाइम पर विदाउट एनी हैसल हम लोग इसको आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप सही समय पर इसको पूरा कर पाए। और इसमें जहां एक और लोगों को बहुत सुविधाएं मिलने वाली है, वैसे ही मेरा उसमें दूसरा स्वार्थ ये भी है
कि इसको देखने के बाद मुंबई में अलग अलग जगह पर हमको जो अर्बन रिन्यूअल के प्रोजेक्ट करने हैं वहां के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि ऐसा हो सकता है, तो दे विल ऑल्सो कॉपरेट विथ अस। और हम लोग अब धारावी जैसा प्रोजेक्ट हम लोग हाथ में ले रहे हैं कि जो एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, लेकिन जब धारावी के लोग ये देखेंगे कि SBUT जैसा प्रोजेक्ट हो सकता है, इट इज पॉसिबल, तो मुझे लगता है कि वहां पर हमको लोगों का रिस्पांस बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट हाथ में लिया। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक एक बड़ी शक्ति इसके पीछे नहीं होती तब तक ये काम नहीं हो सकता। और हिज होलीनेस सैयदना जी के माध्यम से एक बहुत बड़ी मजबूत ताकत इस प्रोजेक्ट के पीछे है, एक बड़ी मॉरल ताकत इस प्रोजेक्ट के पीछे है, और इसलिए ये बहुत सफल होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया इसलिए आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।